ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर आपने देखा होगा कि शिव और शंकर दोनों एक साथ मिला दिया। वास्तव में आप देखें तो प्रतिमा भी दोनों की अलग अलग है। शंकर जी को सदा तपस्वी मूरत दिखाते, बाघम्बरी पर बैठा हुआ, कहते गंगा का अवतरण शंकर जी की जटाओं से हुआ, सिर पर चांद भी दिखाया, त्रिशूल भी दिखाया। तो वास्तव में वह निशानी है। दोनों मिला देने के कारण पिता और पुत्र को आज परमात्मा पिता की महिमा कम होती गई। वास्तव में दोनों अलग अलग है। पिता है कल्याणकारी है और शंकर जी को दिखाते हैं विनाशकारी। वो पुत्र है, हमेशा वो उपासना कर रहे हैं अपने भी पिता परमात्मा की। कई जगह आपने देखा होगा शिव जी की प्रतिमा हाथ में लेकर के शंकर जी ध्यान कर रहे हैं। तो शिव हमारे पिता और शंकर हमारे, वो उनके पुत्र है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन रेखाएं भी दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रचयिता और बीच में बिंदु है, उन तीनों का भी पिता परमात्मा शिव। तो कहेंगे शंकर जी को गुस्सा बहुत आता था लेकिन जल चढ़ाया शिवलिंग पर, तो वो यादगार है, स्मृति का स्वरूप है। परमात्मा पिता कहते बच्चे देखो टेंशन में तुम हो, क्रोध तुम्हें आ रहा है, मन किसका अशांत है? हमारा। और जल किस पर चढ़ाया? शिव बाबा पर। और खाली जल नहीं, 5% दूध होगा और 95% पानी है, मिला के चढ़ाया। घर में दूध वाला आएगा तो कहेंगे प्योर दूध चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए, और शिव बाबा पे क्या चढ़ाया? मिला करके। और जितने आएंगे सब लोटी चढ़ाएंगे। आप विचार करो, किसी के पिता को बहुत क्रोध आता हो और 5-6 उनके बच्चे हों, सब नहा नहा के आए और पिताजी के ऊपर एक एक लोटा जल चढ़ा दे, क्या होगा? क्या गुस्सा नहीं करिए, क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? तो शिव बाबा ने कहा बच्चे क्रोध तुम्हें आ रहा है, मन तुम्हारा अशांत है, तो तुम अपने ऊपर इस ज्ञान की लोटी चढ़ाओ, अपने स्वस्वरूप को याद करो कि मैं शांति के सागर पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये लोटी चढ़ाओ। मैं प्यार के सागर शिव पिता परमात्मा का बच्चा, प्रेम स्वरूप आत्मा, ये लोटी कहा।